नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट तुषार सिंह बिश। एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी लेकर आया हूं। 2 BHK का फ्लैट है विथ कार पार्किंग। एक कार पार्किंग के साथ ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। OC रिसीव्ड है, कंप्लीट टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी है और लोकेशन एकदम ही बढ़िया है। मैकडोनल्ड के पास कनकिया रोड पर प्रॉपर्टी लोकेटेड है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कनकिया रोड, जैसा कि हमने आपको बताया, कनकिया रोड कनकिया पुलिस स्टेशन के पास ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। यहाँ पर आपको आ जाती है 2.5 फीट की बैल्कनी। इस बैल्कनी को, विंडो को आप फ्रेंच करके बैल्कनी अंदर लेने का भी प्रोविजन है। सोसाइटी में परमिशन है इस चीज़ की। अगर आप वो एक्सटेंड करते हो तो आपका लिविंग रूम का साइज हो जाता है 10x20, प्लस आपको यहाँ पे 55-60 स्क्वायर फीट का डाइनिंग स्पेस अलग से आ जाता है। तो एकदम ह्यूज डाइनिंग स्पेस आपका हो जाएगा, प्लस आपका लिविंग रूम काफ़ी अच्छा दिखेगा। 9.5 फीट की आपको मिल जाती है सीलिंग हाइट। यहीं से आगे बढ़ते हैं तो डाइनिंग स्पेस के आगे आ जाता है आपका डबल साइड प्लेटफॉर्म के साथ फुल्ली मॉड्यूलर किचन। और आगे आपको 3.5 फीट की बैल्कनी आ जाती है ड्राई स्पेस के लिए। वॉशिंग का कनेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, गैस कनेक्शन ऑलरेडी बिल्डिंग में आया हुआ है, स्टोरेज काफ़ी अच्छा दिया है। सिवाय इस मॉड्यूलर किचन के फ्लैट में कुछ भी काम नहीं किया है, बिल्डर कंडीशन फ्लैट है। और ये जो मॉड्यूलर है ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप अपने लिए देख रहे हो फ्लैट तो आपको ये तो चेंज करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हो तो रेंटल पर्पस से चल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, 200 स्क्वायर फीट का लिविंग रूम प्लस 60 स्क्वायर फीट का आपका ये डाइनिंग का स्पेस, मतलब 260 स्क्वायर फीट का आपका हो गया ओनली लिविंग रूम। प्लस किचन जो है आपका 9x9 का किचन है, मतलब 81-82 स्क्वायर फीट का आपका किचन एरिया हो गया। आगे आपको 4 फीट की बैल्कनी है, तो बैल्कनी भी आपकी 36-40 स्क्वायर फीट की हो गई। तो ये जो पैसे, इतना एरिया जो हम कवर कर रहे हैं, ये आपको 300-350 स्क्वायर फीट का हो गया। अब बढ़ रहे आगे, ज़्यादातर फ्लैटों में क्या होता है, कॉमन और कॉमन वॉशरूम एंड बाथरूम दोनों एक ही होते हैं, बट यहाँ पर सेपरेट है। टॉयलेट आपका सेपरेट दिया है, वॉश बेसिन का एरिया सेपरेट है और आपका जो बाथ है वो सेपरेट दिया हुआ है। यह आपका फर्स्ट बेडरूम है जो कि आपके बच्चों का रूम रहने वाला है या गेस्ट रूम, एज आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका साइज़ है 12x10, कबर्ड स्पेस अलग से वॉल के अंदर इनबिल्ड है। और यहाँ पर आपको 4 फीट की बैल्कनी आ जाती है। प्रॉपर रोड फेसिंग का फ्लैट है ये, दो प्रॉपर रोड फेसिंग का फ्लैट है, हमेशा ओपन व्यू रहने वाला है। ईस्ट की तरफ विंडो फेस करती है तो सुबह की जो सनलाइट है वो प्रॉपर आपके घर के अंदर आएगी। वास्तु के अकॉर्डिंग ये फ्लैट बहुत ही अच्छा है। जितनी हमें जानकारी है उतनी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप अपने वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। अब वास्तु पे आ ही गए हैं तो एक बार आपको डोर डायरेक्शन भी हम समझा देते हैं। जैसे ही हम लोग फ्लैट के अंदर इंटर हो रहे हैं तो साउथ ईस्ट में हम अंदर जा रहे हैं और नॉर्थ वेस्ट में एग्जिट है, तो ये वास्तु के अकॉर्डिंग अच्छा माना जाता है। बाकी आप लोग जिस तरह से बिलीव करते हैं वो अलग बात है। अब बढ़ते आगे की तरफ, फर्स्ट बेडरूम हमने कवर कर लिया है। अब बढ़ रहे मास्टर बेडरूम की तरफ, 7x4 की साइज़ का आपको आ जाता है कॉमन वॉशरूम। और ये बेडरूम जो है इसका साइज़ आपको मिलेगा 11.5x10, प्लस अलग से कबर्ड स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है 7x2.5 का आपका कबर्ड स्पेस, अच्छा खासा यूज कबर्ड स्पेस बन जाएगा। इसको भी अटैच बैल्कनी मिल जाती है आपको, 3.5 फीट की बैल्कनी आपको मिल जाती है हर जगह पे। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बताया, 2 BHK का फ्लैट एक कार पार्किंग के साथ, OC अवेलेबल है, लोकेशन एकदम ही प्राइम है, कनकिया पुलिस स्टेशन मैकडोनल्ड के पास ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं और इसकी जो प्राइस है 1.10 करोड़। इस प्रॉपर्टी के विजिट के लिए आप अपने एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, चाबी हमारे पास अवेलेबल है। कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है और अधिक जानकारी इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग चाहिए तो हमें नीचे दिए नंबर पर संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।